नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको थायराइड के लक्षणों के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, हार्मोन्स की वजह से हमारे शरीर में कई स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती हैं, लेकिन थायराइड एक गंभीर समस्या है जो हार्मोन्स के संतुलन बिगड़ने की वजह से होती है। ये हार्मोन्स हमारे शरीर में मौजूद आयोडीन से बनता है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को ठीक बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। जब यह हार्मोन्स हमारे शरीर में ज्यादा बढ़ने लगता है तो हम उसे थायराइड का बढ़ना कहते हैं, जिसकी वजह से हमें कई स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती हैं। लेकिन अगर हम समय पर इसके लक्षणों को पहचान कर इसका उपचार कर लेते हैं तो हम अन्य कई स्वास्थ्य समस्याओं से अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको थायराइड के शुरुआती लक्षणों के बारे में पता होता है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं थायराइड के इन्हीं शुरुआती लक्षणों के बारे में। दोस्तों, हम आपको बता दें कि थायराइड दो प्रकार का होता है, एक हाइपरथायराइड जिसमें हार्मोन्स का स्तर बढ़ जाता है, और दूसरा होता है हाइपोथायराइड जिसमें हार्मोन्स के स्तर में कमी आ जाती है। ये दोनों अलग अलग अवस्थाएं होती हैं और दोनों के लक्षण भी अलग अलग होते हैं। सबसे पहले हाइपरथायराइड के लक्षणों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इसमें आपका शरीर कमजोर होने लगता है और आप हमेशा थके थके से महसूस करते हैं। किसी भी कार्य को करने का आपका मन बिल्कुल भी नहीं करता। इसमें आपको सांस लेने में भी समस्या होती है और हृदय गति बढ़ने के साथ साथ कभी कभी हाथों में कंपन भी होने लगता है। इसमें आपको गर्मी ज़्यादा लगती है और आपको बार बार पसीना आता है। आपका मेटाबॉलिज्म हमेशा खराब रहता है। पर्याप्त भोजन लेने के बावजूद भी आपका वजन तेजी से गिरता चला जाता है। इसके साथ ही इसमें बाल झड़ने लगते हैं और त्वचा में खुजली, रेडनेस तथा नाखून नरम होने लगते हैं। कई बार इसमें महिलाओं में मेंस्ट्रुअल डिस्टरबेंस भी हो जाता है। दोस्तों, ये सभी लक्षण हाइपरथायराइड के थे, जिसमें हार्मोन्स का स्तर बढ़ जाता है। तो दोस्तों, अब आपको हाइपोथायराइड के लक्षणों के बारे में बताते हैं, जिसमें हार्मोन्स का स्तर कम हो जाता है। दोस्तों, इसमें वजन का बढ़ना, थकान, चिड़चिड़ापन, नाखूनों में शुष्कता और डिप्रेशन इसके कुछ आम लक्षण होते हैं। हाइपोथायराइड में पसीना बहुत कम आता है और मरीज को हमेशा कब्ज की शिकायत बनी रहती है। उसका पेट कभी भी खुलकर साफ नहीं होता। महिलाओं में मेंस्ट्रुअल डिस्टरबेंस होने की वजह से उनको मां बनने में भी कई प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं। दोस्तों, जिन लोगों को हाइपोथायराइड की समस्या होती है उनको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। ठंड को वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते। इसके साथ ही कुछ लोगों में आँखों की भौहों के बाल भी उड़ने लगते हैं। ये भी एक आम लक्षण है। तो दोस्तों, ये थे थायराइड के कुछ लक्षण। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से परामर्श करें और उचित उपचार कराएं। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप सभी को नमस्ते।